स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड. व्हाट इज द पेप्टाइड बॉन्ड एंड वेयर एंड हाउ इट इज फॉर्मड. सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज पेप्टाइड लिंकेज. पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज, अगर आपने ये नाम पहले सुना है तो वेरी गुड. एंड नाउ पेप्टाइड बॉन्ड, नॉर्मली व्हाट हैपन व्हेनेवर अल्फा अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ पेप्टाइड और टू फॉर्म अ लिंकेज और टू गो अप टू 100 अमीनो एसिड्स और एक प्रोटीन बनती है जिस बॉन्ड के थ्रू वो आपस में लिंक करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड. सो लेट सी हाउ इट इज फॉर्म्ड. और पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? इट इज अ बॉन्ड, इट इज द बॉन्ड बिटवीन टू अल्फा अमीनो एसिड टू क्रिएट डाइपेप्टाइड. दो को जोड़ दिया ना आपस में, डाइपेप्टाइड. सो लेट सी वन एग्जांपल. अभी हमने एक अल्फा अमीनो एसिड लेनी है जो कि नॉन एसेंशियल है. नॉन एसेंशियल तो हम ग्लाइसिन का एग्जांपल ले लेते हैं. ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज दी सी, और वन साइड इट इज हैविंग अ कार्बोक्सिल ग्रुप, वन साइड इट इज हैविंग अ एमाइन ग्रुप. हम एन के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे एन एच टू, एंड वन साइड वी आर हैविंग एच, और यहाँ पे आर की जगह पे भी एच होता है. ये क्या है? ग्लाइसिन है. साथ में हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ग्लाइसिन है, एंड देन वी आर टेकिंग हियर वेलाइन. यहाँ पे हम वेलाइन ले लेते हैं जो कि असेंशियल अमीनो एसिड है, जो कि हमें बाहर से बाय द हेल्प ऑफ फूड आइटम्स लेना पड़ता है. तो यहाँ पे हम वेलाइन के लिए क्या करेंगे? व्हाट वी विल टेक फॉर वेलाइन एज आर. वेलाइन के लिए क्या हो जाएगा? सी. एंड हेयर जितना भी हमारा एमाइन ग्रुप होता है वो जो हमारा एमाइन ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए एच. और यहाँ पे CH3 and H, ये जो है ये क्या है? वेलाइन. ये हमारी असेंशियल अमीनो एसिड है. अब दोनों को ज्वाइन करना है जिस बॉन्ड के थ्रू ये आपस में ज्वाइन होंगे. तो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द प्लस साइन एंड मेकिंग देम टू ज्वाइन टुगेदर. व्हाट विल हैपन? अ वाटर मॉलिक्यूल कैन कम इन आउट. तो हम यहाँ पे जो दो एच लिखे हैं सिंपली व्हाट वी कैन डू, वी कैन राइट वन एच टूवर्ड्स द डाउन साइड. हम एमाइन ग्रुप यहाँ पे इस तरह से लिख लेंगे. मैंने पहले कंबाइंड लिखा था, अब इनको मैंने एच को दोनों साइड पे लिख दिया. नाउ व्हाट वी आई विल डू, वी विल रिमूव वन वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर. हम यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे एंड वी विल शो दैट वाटर इज गोइंग टू बी आउट. अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो यहाँ से रिमूव होने जा रहा है, आप इसको पूरा ब्रॉड लाइट करके भी दिखा सकते हैं. वी आर रिमूविंग इट. इस तरह से दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ रही हैं, और जो हमारे पास इनके बाद क्या बन जाएगा? तो एन एच टू, एक साइड पे एमाइन ग्रुप है, एच एच सी ओ एन एच एंड सी एच सी और H एंड CH3 एज इट इज मैंने लिख लिया है एंड COOH आपस में जुड़ गए. ये जो बॉन्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, ये जो बॉन्ड बिटवीन टू अमीनो एसिड के बीच में बना है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज. दिस इज द पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड. ये पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है.
इस तरह से दो अमीनो एसिड यहां पर जुड़ गई तो हमें क्या मिल गया, डाई, दो जुड़ी है ना, तो डाई पेप्टाइड। एंड बॉन्ड कौन सा बना है यहां, पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड लिंकेज, और बना क्या है, डाई पेप्टाइड। और इसी तरह से अगर तीन जुड़ जाती, हम अगर तीन को जोड़ देते तो ट्राई पेप्टाइड आ जाता। अब हम नेक्स्ट वन जो है, अगर मैं फिर से वहां पे ग्लाइसिन को लिख लूं, अगर मैं यहाँ पे ग्लाइसिन लिख रही हूँ तो ग्लाइसिन के लिए बहुत सिंपल था, यहाँ पे हमने एन एच एच एंड सी एच एच एंड सी ओ ओ एच, तो एज यूजुअल वी विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल कैन कम आउट। एंड अगेन एक यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। अब तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगी तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइपेप्टाइड, एंड वी विल हैव टू पेप्टाइड लिंकेज। तो सो ऑन, जैसे जैसे ये जो अमीनो एसिड्स है वो जुड़ती जाएंगी, कब तक, 100 अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगी। अमीनो एसिड कौन सी अमीनो एसिड, अल्फा। जितने भी अमीनो एसिड्स हम अल्फा की बात करते हैं उन सभी में जो अमाइन ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी हैं इनके कारण सारी अमीनो एसिड जो है वो कैसी होती है, एल रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। जो हमारी ग्लाइसिन है इसमें दोनों तरफ कोई भी आर नहीं है, ये तो सिर्फ अमीनो एसिड को शो करता है। तो ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी जो हमारी 19 नेचुरल अक्रिंग अमीनो एसिड्स हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, दे आर ऑप्टिकल एक्टिव। तो बाकी कितनी है और सभी होती कैसी है, एल रोटेटरी, क्योंकि सभी में जो हमारा अमाइन ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आता है। तो जब 100 अमीनो एसिड आपस में लिंक करती है और तब वो हमें क्या देती है, 1 प्रोटीन। हमें प्रोटीन कब मिलता है, जब 100 अल्फा अमीनो एसिड। और वी कैन सिंपली से कि अगर एक और यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसी कोई प्रोटीन जिसमें 100 अमीनो एसिड्स नहीं होती है, तो दैट इज द इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। वैसे तो इंसुलिन क्या है, दैट इज द हार्मोन। तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, और वो प्रोटीन है, एंड इट इज हैविंग अ 51 अमीनो एसिड। ये एक्सेप्शन है, इसमें सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स होती हैं, रेस्ट सारे जो है वो 100 अमीनो एसिड, 100 अल्फा अमीनो एसिड आपस में लिंक होती है थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, और तब जाके हमें क्या मिलता है, 1 प्रोटीन। एक्सेप्शन इज देयर इंसुलिन, इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड जुड़ती हैं, और इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास टोटल कितनी अमीनो एसिड्स होती हैं, नेचुरल अक्रिंग, दैट इज 20 कुछ असेंशियल है, कुछ नॉन असेंशियल है। हमारा जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन जो है इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये अकेली ऐसी अमीनो एसिड है जो कि ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, बाकी जितने भी हमारे 19 अमीनो एसिड्स हैं दे ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उन सभी में क्या होगा, जो हमारा एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप ऑलवेज टुवर्ड्स दी लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल रोटेटरी। हमारे जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो सारे के सारे एल रोटेटरी हैं, क्योंकि एमाइन ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। 20 अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, टोटल, जिसमें से ग्लाइसिन जो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। और ये जो लिंकेज यहां बना है, हम इस लिंकेज को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो CONH, दैट इज दी एमाइड, ये एमाइड भी बन रहा है। तो हम ये भी कहते हैं कि दो अमीनो एसिड आपस में एमाइड बॉन्ड बना के लिंक होती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड को हम और क्या कह सकते हैं, एमाइड लिंकेज, क्योंकि एमाइड में क्या होता है, सीओ
और इधर क्या हो जाता है आर सी ओ एन एच, तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं आर सी ओ एन एच, ये अमाइड फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है। तो कुछ जो बातें अभी हमने देखी उसे आप नोट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय।